सुप्रभात बच्चों, एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से मैं शैलजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे दशमा यानी दसवां पाठ। तो क्या है? पुस्तकालय। पुस्तका नाम आलय इति पुस्तकालय कथयति। पुस्तकों के घर को पुस्तकालय कहते हैं। शिक्षा क्षेत्रे पुस्तकालयस्य महत्वं विशेष रूपेण वर्तते। शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय का विशेष महत्व है। पुस्तकालयाः अनेक विधा सन्ति। तद्यथा विद्यालयस्य पुस्तकालयः, महाविद्यालयस्य पुस्तकालयः, राजकीय पुस्तकालयः, सार्वजनिक पुस्तकालयः इत्यादि। पुस्तकालय के अनेक विधाएं यानी अनेक प्रकार हैं, जैसे विद्यालय का पुस्तकालय, महाविद्यालय का पुस्तकालय, राजकीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय आदि। ज्ञान पिपासु नाम तृप्तये पुस्तकालय नाम अनिवार्यता वर्तति। क्या है कि ज्ञान पिपासु यानी जो ज्ञान को बहुत ज्यादा ज्ञान लेने के इच्छुक हैं, उनकी तृप्तता के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए पुस्तकालयों की बहुत आवश्यकता है। यत्र पुस्तकालया न सन्ति तत्र जना ज्ञान सागरात वंचिता भवन्ति। जहाँ पुस्तकालय नहीं होता है वहाँ लोग ज्ञान के सागर से वंचित रहते हैं। पुस्तकानि ही न केवलम ज्ञानम यच्छन्ति अपितु मनोरंजनम अपि कुर्वन्ति। पुस्तकें हमें केवल ज्ञान ही नहीं देती हैं, बल्कि मनोरंजन भी करती हैं। पुस्तकालयेषु विभिन्न विषयान् अधिकृत्य रचितानि प्राचीनानि नवीनानि च पुस्तकानि स्थापितानि भवन्ति। पुस्तकालयों में विभिन्न विषयों को अधिकृत करके रचित प्राचीन और नवीन पुस्तकें रखी जाती हैं। अनेका शाम लेखका नाम, कवि नाम, उपन्यासकाराणाम, कथाकाराणाम च अनेकानि पुस्तकानि अपि पुस्तकालयेषु उपलभ्यते। अनेक लेखकों, कवियों, उपन्यासकारों, कथाकारों और अनेक पुस्तकें भी पुस्तकालय में प्राप्त होती हैं या उपलब्ध होती हैं। अत्र दैनिका पत्राणि, पाक्षिक पत्राणि, मासिक पत्राणि च अपि भवन्ति। यहाँ दैनिक पत्र, पाक्षिक पत्र और मासिक पत्र भी होते हैं। ये जनाः तानि क्रेतुं न शक्नुवन्ति, ते तत्र पठितुं शक्नुवन्ति। जो लोग उनको खरीद नहीं सकते हैं वे वहाँ पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अद्य तु शिक्षा प्रसाराय ग्रामेष्वपि पुस्तकालयानाम् आवश्यकता वर्तते। आज तो शिक्षा के प्रसार के लिए गांवों में भी पुस्तकालयों की आवश्यकता है। अस्माकं विद्यालयस्य पुस्तकालय विशाल समृद्ध च अस्ति। हमारे विद्यालय का पुस्तकालय बहुत बड़ा और समृद्ध है। अत्र सर्वेषां विषयाणां पुस्तकानि उपलब्धानि सन्ति। यहाँ सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। पुस्तकालये महती सुव्यवस्था अस्ति। पुस्तकालय में बहुत व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था है। तत्र शान्तेः वातावरणं पूर्णं अनुशासनं च भवति। वहाँ शांत वातावरण और पूर्ण अनुशासन होता है। प्रातःकाले निर्धारिते समये पुस्तकालय उद्घाटितो भवति, सायंकाले च निश्चिते समये निरुद्धते। प्रातः यानी सुबह निर्धारित समय में पुस्तकालय खुलता है और शाम को निश्चित समय में बंद होता है। विद्यालय से सर्वे छात्रा समयेन अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, लाभान्विता च भवन्ति। विद्यालय के सभी छात्र समय से अध्ययन के लिए वहां आते हैं और लाभ उठाते हैं, लाभान्वित होते हैं। वस्तुतः सांप्रतिके युगे प्रतिगृहं एकं लघु पुस्तकालय तु अवश्यमेव स्यात्, यतो हि एषा अस्माकं ज्ञानवर्धनाय मनोरंजनाय च बहु उपयोगी वर्तते। आज
प्रत्येक घर में एक छोटा पुस्तकालय तो अवश्य होना चाहिए, तभी हम अपना ज्ञान और मनोरंजन दोनों उपयोगी कर सकते हैं। शब्दात करें, तृप्तये संतुष्टि के लिए ही निश्चित उपलब्धते प्राप्त होती है। अधिकृत आधारित उद्घाटित खुला क्रेतुम खरीदने के लिए सांप्रतिके आधुनिक अध्ययनाएं पढ़ने के लिए। यस बेटा, प्रश्न उत्तर करें। अद्य तु शिक्षा प्रसाराय ग्रामेष्वपि कस्य आवश्यकता वर्तते। अद्य तु शिक्षा प्रसाराय ग्रामेष्वपि पुस्तकालयानाम् आवश्यकता वर्तते। पुस्तकानि किं कुर्वन्ति? पुस्तकानि ज्ञानं यच्छन्ति, मनोरंजनम् अपि कुर्वन्ति। पुस्तकालयाः कति विधाः सन्ति? पुस्तकालयाः अनेकानि विधाः सन्ति। यस्य विद्यालयस्य पुस्तकालयः, महाविद्यालयस्य पुस्तकालयः, राजकीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय इत्यादि। अत्र केषां पुस्तकानि उपलभ्यते? अत्र अनेकाशां लेखकानां, कवीनां, उपन्यासकाराणां, कथाकाराणां च अनेकानि पुस्तकानि उपलभ्यन्ते। पुस्तकालयानाम् अनिवार्यता केषां कृते अस्ति? पुस्तकालयानाम् अनिवार्यता ज्ञानपिपासूनां तृप्तये कृते अस्ति। रिक्त स्थान पूरे करें। ज्ञान पियासुनां तृप्तये पुस्तकालयानाम् अनिवार्यता अस्ति। पुस्तकालय अनेक विधा सन्ति। पुस्तकालये महती सुव्यवस्था अस्ति। अत्र शान्ते वातावरणं पूर्णम् अनुशासनं च भवति। अब सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। विद्यालय इति पदे का संधि? दीर्घ संधि, विद्या प्लस आलय। निरुद्धते इति क्रियापदम् परस्मैपदी। सुव्यवस्था इति पदे उपसर्ग? वी सु, यानी उभौ। वी भी उपसर्ग है और सु भी उपसर्ग है। अब इन पदों को शुद्ध करके लिखना है। क्या लिखा है यहाँ पे? अधया नाय, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? अध्य ना, विशाल तृप्तये, वाता वर्णम, रचितम, अनिवार्यता, निर्धारित और समृद्ध। अब इन शब्दों की विभक्ति, लिंग और वचन बताना है। यस, विद्या चतुर्थी, स्त्रीलिंग एकवचन। शांते पंचमी और षष्ठी, स्त्रीलिंग एकवचन। कविना षष्ठी, पुलिंग बहुवचन। सुव्यवस्था प्रथमा, पुलिंग एकवचन। शिक्षा क्षेत्रे सप्तमी, स्त्रीलिंग एकवचन। अब इनमें क्रिया पदों को चुनकर आपको लिखना है। पुस्तकालय ज्ञान मनोरंजनाय बहु उपयोगी वर्तते। छात्रा अत्र आगच्छन्ति, लाभान्विता च भवन्ति। ये जनाः तानि क्रेतुं शक्नुवन्ति, ते पठितुं शक्नुवन्ति। पुस्तकालय सायंकाले निश्चित समय निरुध्यते। यत्र बहूनि पुस्तकानि स्थापयानि भवन्ति, पुस्तकालय च कथ्यते। ठीक, अब इनका हिंदी में अनुवाद करना है। मैं आपको ओरल बता रही हूँ क्योंकि पाठ के बीच में भी बता चुकी हूँ, इसलिए मौखिक ही बता रही हूँ। अस्माकं विद्यालयस्य पुस्तकालय विशाल समृद्ध च अस्ति। हमारे विद्यालय का पुस्तकालय विशाल और समृद्ध है। अद्य तु शिक्षा प्रसाराय ग्रामेष्वपि पुस्तकालयानाम् आवश्यकता वर्तते। आज तो शिक्षा के प्रसार के लिए गांव में भी पुस्तकालयों की आवश्यकता है।
यत्र पुस्तकालया न सन्ति तत्र जनः ज्ञान सागरात् वंचिता भवन्ति। जहाँ पुस्तकालय नहीं है वहाँ लोग ज्ञान के सागर से वंचित होते हैं। यतो हि एते ज्ञान वर्धनाय मनोरंजनाय च बहु उपयोगिना सन्ति। इसलिए ये ज्ञान बढ़ाने के लिए और मनोरंजन के लिए बहुत उपयोगी हैं। पुस्तकालया अनेक विधा भवन्ति। पुस्तकालय की बहुत विधाएं हैं। अस्मिन् अनेकेषां लेखकानां कविनाश्च पुस्तकानि भवन्ति। यहाँ अनेक लेखकों और कवियों की पुस्तकें होती हैं। अब ये संधि और वाक्य निर्माण बेटा आप स्वयं करेंगे, ठीक है? अभी तक हमने बहुत सारी संधि आपको बताई है, अब आप ये स्वयं करेंगे। इसके साथ ही ये पाठ हम यही समाप्त करते हैं। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।